वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का कुछ क्वेश्चन, है ना। अगर आप भी सैटे सेंटेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम में आप लोग का टाइम बहुत कम है ना, टाइम बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि एडमिट कार्ड आप लोग का बहुत जल्द वेबसाइट पे आ जाएगा, है ना। मैंने बात एडमिट कार्ड के बारे में किया है, ऑफिस बहुत जल्द वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, तैयारी रखना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे सरलीकरण, मैंने बताया था कि जो मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को ओनली कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे सरलीकरण। सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था बेसिक, वो क्वेश्चन हमने करा दिया था, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे औसत, एवरेज, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, एवरेज। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अभी हम एक बेसिक बता देते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में आ सके, ठीक है। मतलब काम भर पढ़ लेंगे जिससे कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं एवरेज, औसत की बात की जाए तो आपको औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, औसत बराबर क्या होता है, दिए गए परिमाणों का योग, ठीक है, बके परिमाणों की संख्या, ये होता है औसत बराबर। जैसे समझेंगे, थोड़ा सा हम समझा दे पहले। इससे मान लिया यहाँ पे लिखा है 5, 6, ठीक है, 2, 8 इस प्रकार लिखा है, और लिखा है 5, 6, 7, 8 इस संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है, औसत ज्ञात करें। ये मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दो तीन को हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आपको देखना है। इन्होंने क्या कहा, औसत ज्ञात करें। क्या कहा, औसत ज्ञात करें। औसत बराबर क्या दिया है, औसत बराबर दिया है दिए गए परिमाणों का योग। योग मिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, योग मिस क्या होता है, योग मिस होता है जोड़। योग मिस जोड़, मतलब जो जोड़ने के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं, योग या योगफल बोलते हैं, ठीक है। तो दिए गए परिमाणों का हम यहाँ पे लिख लेते हैं औसत। क्या लिख लेते हैं, औसत। औसत बराबर क्या बताए, दिए गए परिमाणों का योग। दिए गए परिमाण कौन है, ये दिया हुआ है, योग का रहा है, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। चलिए, जोड़ दिए। उसके बाद क्या कहा, परिमाणों की संख्या। संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 कितना है, 1, 2, 3, 4 तो नीचे में लिख लेंगे 4, ठीक है। चलिए, अब इसको आप जोड़ दीजिए, 8, 2, 10, 10, 6, 16 16 और 5 कितना, 21 और नीचे में 4, इसको आप इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 और 20 उसके बाद आएगा 4 2 8 और 4 5 20 ठीक है ये आपका आएगा। तो ये जो आया ये आपका क्या आया, औसत आया, एवरेज आया, ठीक है। क्या आया, औसत। एक दो क्वेश्चन और देख लें जिससे समझ में आपको आ जाए। जैसे आपको संख्या दिया रहे 6, ठीक है, 12 और उसके बाद फिर दिया रहे 8, ठीक है, 8 दिया रहे, उसके बाद और कोई संख्या आपका जो है 2 दिया रहे। अगर पूछे कि इस संख्या का, इसका औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात, तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 मतलब 3 रहने देते हैं, चलिए क्योंकि 4 को पहले था, 1, 2, 3, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 12 + 8 बटे में 1, 2, 3 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि औसत बराबर सूत्र होता है दिए गए परिमाणों का योग। इसका दिए गए परिमाण का योग, योग में जो मैंने सबको जोड़ दिया, परिमाणों की संख्या 1, 2, 3 यहाँ पे जितना रहेगा उतना देना है नीचे, ठीक है, काउंटिंग करके यहाँ नीचे लिख देना। अगर 5 रहेगा तो 5, 8 रहेगा तब 8,
ठीक है, कितना इसको जोड़ दें, यहाँ कितना हो गया 26, 26 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अगर आपको भाग देने नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 दिया 24, कितना हो गया 2 0। उसके बाद 6 दिया 18, ठीक है। उसके बाद 2 फिर आ रहा है, बार बार ये आ जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8.67 या 66 लिख सकते हैं, ये इसका औसत हुआ, ठीक है, एवरेज हुआ। ये हो गया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था बट बुक का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार है। अभी एग्जाम आपका नजदीक है इसलिए हम जो जो मेन मेन है वो हम बता देते हैं, फिर बाद में आपको बेसिक से मैथ को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है, एवरेज औसत ज्ञात करें। इसमें आपको क्या करना है, ये आपके सामने संख्या दिया हुआ है, ये जो है ये संख्या आपके सामने दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि दी गई जो संख्या है औसत, सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि औसत बराबर होता है परिमाणों का योग, ठीक है, उसके बाद परिमाणों की संख्या, ये आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, योग मैंने क्या होता है जोड़, सबको जोड़ दीजिए, 76 + 84 + 66 + 67 + 64, ठीक है, इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसको में क्या करना है, ठीक है, ये सबको जोड़ देना है। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तब 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट रूल भी है लेकिन आपको फिर से मैथ पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम कम है और हम सोच रहे हैं कि सब चैप्टर को जल्दी कवर कर दें 5 दिन में, तो खाली फॉर्मूला पे शॉर्ट बताएंगे तब क्या होगा, यादो नहीं रहे, ऐसे कम से कम याद रहे। चलिए इसको अब जोड़ दीजिए कितना होगा। जोड़ने के बाद इसको जोड़ देते हैं सबको, ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 6 4 4 6 10 10 4 14 14 8 22 22 6 28 28, 28 से 8 बाकी 2, उसके बाद बाकी 2, 6 2 8 8 8 7 8 7 15 15 6 21 21 8 29 29 और 4 33 33 और 7 कितना 40, कितना आ गया 408 और नीचे में 6, ठीक, इसको आप काट दीजिए, कितना बार कटेगा, 6 6 36 6 8 48, कितना आ गया 68, 68 इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 68 इसका आंसर आ गया, ठीक है 68, इसी प्रकार बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, रमेश के हिंदी कौमा अंग्रेजी तथा गणित में प्रवतांक क्रमशः 53 47 74 है, उसके औसत प्रवतांक कितने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो हिंदी इंग्लिश एंड गणित में जो मार्क्स आता है ना, जब एग्जाम पड़ता है तो जो नंबर आता है ना, कितना मार्क्स किस विषय में आया, प्रवतांक बोलते हैं। तो इन्होंने बताया है कि हिंदी में इसको कितना गया, 53 47 74, औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, औसत प्रवतांक पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, औसत प्रवतांक बराबर, हमेशा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पते है सबको जोड़ देना है, ऊपर में क्या करना है, सबको जोड़ के लिखना है, ठीक है, और नीचे में कितना, 1 2 3, कितनी संख्या है 3, 3 से भाग दे दी, अब जोड़ तो आया था, ये दीजिए 7 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 7 3 10 10 4 14 के 4 बाकी 1 7 4 11 11 1 12 12 5 17 / 3, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद कितना गया, 174,
ठीक है, इसको जोड़ने के बाद कितना आता है 174 बटा में 3। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ से आप इसको काट दे ना, तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप दे सकते हैं अगर काटने नहीं आता है तो। यहाँ पे क्या होगा, 5 × 15 2 × 4 8 × 24 कितना गया 58। अन इसका जो है औसत प्रतांक कितना है तो 58, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप खाली रिवीजन हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता देते हैं, हर एक वीडियो में चैप्टर का एक टाइप आप उसको रिवीजन करके जाएंगे, आपका वहां एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप आसान से बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर पर आवर रही थी तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर पर घंटा थी, ठीक है, पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी कितना बार इस टाइप का पूछा गया है, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्थान ए स्थान बी, मतलब यहां आप हैं, स्थान ए है और ये स्थान बी है, ठीक। अब स्थान ए से स्थान बी जो है यहां तक तो कुछ दूरी होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं तो कुछ तो वहां पे दूरी रहा होगा, कुछ तो दूरी होगा आपके घर से स्कूल का, तो वहां पे स्कूल जाते हैं तो कोई लोग पैदल जाते हैं, कोई साइकिल से जाते हैं ना, कोई बाइक से जाते हैं, तो सबका चाल अलग अलग होता है, ठीक है, दूरी एक ही रहता है, चाल अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जा किससे रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा, ठीक है, मोटरसाइकिल से, अब मेरा इच्छा रहेगा साइकिल से तब नहीं पहुंचेंगे, कम दूर रहेगा पहुंचिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दें, मोटरसाइकिल रहे, साइकिल रहे, कार रहे, रेलगाड़ी रहे, जो भी रहे, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, मतलब है कि स्थान ए से स्थान बी तक गया, ठीक है, यहाँ स्थान ए से बी तक गया और जब यहाँ पहुंच गया बी के पास, स्थान बी के पास, तो यहाँ से फिर ये वापस आया, आएगा कि नहीं आएगा, स्कूल जा, अगर कोई स्कूल जाते हैं फिर घर आते हैं ना जी, तब वापस आए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये जाता है तो इसकी चाल क्या रहती है, यानी जाता है किस चाल से, 35 किलोमीटर पर आवर से जाता है, ठीक है। उसके बाद बी से ए आने में, मतलब घर से स्कूल गया इतने स्पीड में और फिर स्कूल से घर वापस आया, वो कितना में आया, 60 किलोमीटर, कितना में आया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी गया ज्यादा स्पीड में, अब आया जरा आराम से, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है, किसमें, पूरी यात्रा में, फॉर्मूला लिखिए, काली फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट बताएंगे तो कितना यूज करिएगा एग्जाम में, वो हम स्थिर से मैथ पढ़ा देंगे तो उसमें पूरा ट्रिक बताएंगे। लिखिए, पूरी यात्रा बराबर पूरी यात्रा की औसत गति कर देते हैं ना, औसत गति, पूरी यात्रा की औसत गति बराबर होता है 2xy बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, है ना। चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ओनली ये फॉर्मूला को याद रखना है, समझ में आ गया, इतना सा याद रखना, आपको इसको बनाने में लगेगा कितना, इसको बनाने में आपको ओनली लिखना है 2xy बटा x प्लस वाई, इतना में आप इसको बना पाएंगे। अब 2xy
तो एक्स के स्थान पे क्या होगा और वाई के स्थान पे क्या होगा ये देखना होगा। तो पहले जैसे ए से बी के पास गया तो इसकी स्पीड कितना थी 65, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर लिखना है 65, ठीक है। यानी जिस स्पीड से वो गया उसको हम एक्स रख रहे हैं, एक्स बराबर 65, और आया जब उस जिस स्पीड से आया तो हम वाई रख लेते हैं, आया किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब आपको एक्स प्लस वाई एक्स बराबर वाई बराबर याद हो गया। अब यहाँ पे आप लिख मान बैठा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, ये फॉर्मूला पे बैठा रहे, ठीक है, ये फॉर्मूला 2 गुना एक्स के जगह पे कितना हो गया 65 और वाई के जगह पे 60, ठीक है। यहाँ हो गया 65 प्लस 60, थोड़ा सा यहाँ काट के हम इसको मिटा दें और यहाँ पे काट के बता, ठीक। ये सबको आप गुना करेंगे कितना हो गया 2 गुने 65 गुने 60, अब बचा में इसको जोड़ेंगे तो 5 और 612 कितना हुआ 125, ठीक है 125। अब इसको आप काट देते हैं, काट सकते हैं 25 पचे 25 से, ठीक है 13 पचे 65, उसके बाद अभी और कटेगा 5 पचे 25 12 पचे 60, ठीक है। उसके बाद अब इसको आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, क्या होगा 2 गुने 13 गुने 12, नीचे में कितना है 5, तो ये हो गया 13 गुने 26, बाकी मैं 26 गुना 52 बाकी 5 6 5 31 312/5, इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6 पचे 30 5 गुनी 10 4 पचे 20 कितना आ गया 62.4 है ना किलोमीटर पर आवर, ये इसकी औसत गति हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और दूसरे वीडियो में और हम इस टाइप के देख लेंगे। थैंक यू।